ये बाबू भाई का जो ठेला है, आप ये मान के चलिए कि इतना फेमस ठेला है कि यहाँ पर समोसा खाने के लिए लाइन लगाते हैं लोग। रीवा में मंडी के पास फेमस दुकान समोसा मटर की दुकान, इतनी फेमस है देश के कोने कोने से लोग बाग समोसा इनके यहाँ का खाने आते हैं। और इसी संबंध में आइए हम लोग बात करते हैं बाबू भाई दाहिया से। क्यों बाबू भाई, ये कब से आपने खोल के रखा है दुकान? यहाँ यहाँ तो देख 15-16 साल हो। अच्छा, 15-16 साल से आप इसके काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके पहले पढ़ाई लिखाई किए थे आप? 8वीं तक किए। अच्छा, 8वीं के बाद फिर आपने समोसा लगाया? हाँ। तो कैसा चल जाता है? होएगा, धीरे माने चल रहा। मतलब कितना मिल जाता है दिन में? होएगा 200-400। अच्छा, इसी संबंध में एक हमारे समोसा प्रेमी दीदी जी हैं, राजा द्विवेदी जी से बात करते हैं। कैसा लगा वकील साहब इनका ये? आज ये रीवा गल्ला मंडी के पास बाबू भाई दाहिया के समोसा चाट ठेला पर हमने समोसा और मटर का स्वाद लिया, जो कि बेहतरीन है। और ये रीवा में सबसे स्वादिष्ट चाट बनाते हैं बाबू भाई दाहिया, और सभी को इनका स्वाद लेना चाहिए, इनके समोसा चाट का, मटर का, और बहुत ही बढ़िया था ये। अच्छा, ये यहाँ पे ये गल्ला मंडी के पास एक तिगट्टा है, इसी तिगट्टे से आना पड़ता है मंडी के, पहले से रास्ता है बाबू भाई के यहाँ? ये गल्ला मंडी का मेन गेट है, जो गल्ला मंडी के मेन गेट के पास ही है इनका ठेला। स्वाद कहते हैं बहुत बढ़िया है। जी जी, क्या है इस स्वाद की खासियत? इसमें इन्होंने टमाटर और धारी धनिया ये जो चटनी बनाई है बहुत अच्छी है। समोसा कैसा लगा आपको? ये बहुत बढ़िया समोसा है सर। अच्छा, इसमें और क्या डालते हैं बाबू भाई? थोड़ा दिखाइए, ये मटर दिखाइएगा अपना कैसा है। फर्स्ट क्लास मटर भी डाल रहे हैं बाबू भाई, और बाबू भाई का मटर देखने लायक है, खाने लायक है। लोग लाइन लगाए हुए, टाइम नहीं है बाबू भाई के पास कि लोगों को दे सकें वो मटर और समोसा। और बिल्कुल लोग लाइन लगाए हुए हैं, फिर भी भीड़ टूटने का नाम नहीं ले रही है। मतलब बहुत ही स्वादिष्ट इनका समोसा होगा, तभी ये लगातार चल रहा है। और सुबह से मैंने देखा कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है, बाबू भाई के पास टाइम नहीं। और बाबू भाई स्वयं ही अपना ये देखिए, अपनी साफ सफाई, बाबू भाई स्वच्छता का ध्यान भी बाबू भाई बहुत देते हैं। आप लोग सुबह से लाइन लगाए हुए हैं, मैंने देखा कि आप लोग खा रहे हैं, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, एक नंबर समोसा बनाते हैं भाई। अच्छा, रीवा में हमको लगता है कि इतना बढ़िया समोसा? बहुत बढ़िया, बहुत। जी जी, बताइए क्या खास बात है इनके समोसे? इनके समोसा में क्या है, मटर है और उसमें बढ़िया फर्स्ट क्लास मूली वगैरह सब कुछ देते हैं, और ताजा माल देते हैं, फर्स्ट क्लास अच्छा रहता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आप बताइए आपको कैसा लगता है इनका समोसा? अच्छा लगता है सर। थोड़ा इनके समोसे को दिखाइएगा, हम कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा कि इनके समोसे के बारे में दिखाइए, और फिर ये इनसे पूछते हैं क्या नाम भैया आपका, आपको कैसा लगा बाबू भाई का? यादव, बहुत बढ़िया समोसा है, ताजा ताजा मिलता है। अच्छा अच्छा, सब मैंने सब देसी चीज मिला के बनाते हैं। अच्छा, बिल्कुल देसी औषधि? हाँ, जैसे हरी धनिया की पत्ती है, मटर है, सब ये चीज मिला के। और क्या क्या मिलाते हैं बताइए? अब और मसाला जितना समोसे मिलते हैं, प्याज है, मूरी है, सब कटी हुई मैंने देते हैं, सब मिलाते। बहुत अच्छा हमको लगा, खाने में इंटरेस्ट है, हमें रोज यहाँ के। इतना बढ़िया समोसा पूरे रीवा में कहीं नहीं मिलता, तो क्या सही है? हाँ सही बात। क्या बताइए क्या खास बात है? खास ये है कि ताज़ा ताज़ा निकाल के देते हैं, और मसाला अच्छे ढंग से डालते हैं, सब चीज़, धनिया पत्ती, लहसुन, जीरा सब डालते हैं। चलिए आइए इसी समय में बाबू भाई से पूछते हैं। बाबू भाई, आप ये बताइए, ये कब से आप समोसे की दुकान खोले? 15-16 साल हो रहे हैं। अच्छा, और स्वच्छता वगैरह सब आप ही रखते हैं? हाँ। अच्छा, ये जो भीड़ को आप कंट्रोल कैसे कर पाते हैं, प्यार से करते हैं कि डांट के? प्यार से करते हैं, बने रहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।